सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर अभी हम इंट्रो में पंजाब पे विमर्श कर रहे थे कि आजादी के वक्त में जो विभाजन हुई उसमें सबसे ज्यादा पीड़ा पंजाब ने झेला। पंजाब की छाती बीचों बीच कटी थी, पंजाब की संस्कृति तबाह हुई थी और 80 के दशक में पंजाब में आतंकवाद सर चढ़ के बोला, जिस खालसा ने जिन विधर्मियों के खिलाफ जिस खालसा की उत्पत्ति हुई, जिस खालसा ने सनातन की रक्षा के लिए विधर्मियों के अत्याचार के खिलाफ मुहिम सबसे ज्यादा एक बड़े भाई के रूप में निभाई सनातन की रक्षा में, उसी खालसा का गुमराह गैंग उन्हीं विधर्मियों के साथ मिलकर के भारत की तबाही के राह पर चला गया। लेकिन बीते 2.5 दशक से पंजाब सुकून में था और कैप्टन अमरिंदर के दौर में भी वो सुकून में था। पिछले साल जब वहां पर एक ऐसे सो कॉल्ड ईमानदार व्यक्ति के विचारधारा से प्रभावित सरकार आई तो उस पार्टी के एक सक्रिय सदस्य कुमार विश्वास ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ है और केजरी के साथ जुड़े हुए कई लोगों ने कहा कि केजरी की यह भूमिका है। और जिस समय केजरी को चुना गया उस समय हमारा और आपका लगातार जब हम लोग शो करते थे तो आपने कहा था कि ऐसा संभव नहीं है कि केजरीवाल वहां सरकार बना पाएगा। लेकिन जिस दिन सरकार बनी आपने कहा था कि आज के 6 महीने बाद पंजाब खून की आंसू रोएगा। और इस प्लेटफॉर्म से मैं ये बात कई बार कह चुका हूं, आपने 6 महीने का टारगेट दिया था, 6 महीने से पहले पंजाब खून की आंसू रो रहा है, लेकिन वो पंजाब भारत का हिस्सा है, भारत का अहम हिस्सा है, भारत के गौरव का प्रतीक है। उस पंजाब की ये पीड़ा क्या देश की पीड़ा नहीं है? क्या इस देश की सुप्रीम अदालत और इस देश की सरकार के लिए पंजाब एक गंभीर मुद्दा आज नहीं है? क्योंकि वहां पर एक खालिस्तानी आतंकी गैंग के सरगना को पुलिस गिरफ्तार करती है और घंटों भर के अंदर पंजाब पुलिस, भगवंत मान की पुलिस इस तरह से थर थर कांपती है कि उसके ऊपर FIR तक रद्द कर देती है। पंजाब पुलिस के इस डर का क्या मायने है, फिर पंजाब के आम आदमियों का क्या हाल होगा? मनीष जी, हम लोग बात शुरू कर रहे हैं उससे पहले जरा वो वीडियो दिखा दिए जो आज छोड़ा गया, मैंने डाला है ट्विटर पे, जो आज वो छूटा है वह अपराधी आतंकी, उसका जरा अंदाज देखिए, फिर हम लोग दर्शकों को समझ में आएगी बात, फिर आगे हम लोग बात शुरू करते हैं। जरा वो दिखाइए जो आज वो छूटा है लवप्रीत सिंह। सबसे पहले तो वो जरा सीन जरा ये देख लेते हैं हम लोग। ये कल हुआ था, ये कल की घटना है जिसने पूरे देश को हिला दिया। इस घटना के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई थी और इस घटना ने जो लहराता हुआ जो तलवारें हैं उसके बाद जिस वीडियो की बात आप कर रहे हैं वो वीडियो मेरे ख्याल से वो चौंकाने वाला है। और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि आतंकवादी बोल किसकी भाषा रहा है, ये समझना सबसे महत्वपूर्ण है कि आतंकवादी बोल किसकी भाषा रहा है। जरा आज उसकी रिहाई ने हाँ दिखाई है। ये तो नहीं, इससे भी जरा समझ लेंगे मुझे लगता है क्लियरली कि अंदाजा यहीं से हो जाएगी। ये वाला क्या कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, जो आज वो छूटा है रमनीक, एज अ नेशन इट इज डिस्क्राइब एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। कि आप भारत की परिभाषा से मतलब सहमत है? देयर वाज नो भारत, देयर वाज नो इंडिया बिफोर 1947। इट्स अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, वी मस्ट रिस्पेक्ट द यूनियंस, वी मस्ट रिस्पेक्ट द स्टेट्स, अदरवाइज यू नो व्हाट वी से, वी डोंट रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी, वी लूज एवरीथिंग। So I'm not agree to the definition of India, modern India. All I'm saying, everybody has right to self-determine. If I say Punjab is a separate country, I have right to do it. You will find that India... चलिए मुझे लगता है कि उस वीडियो को हम अभी शायद हैंग हो रहा है वो वीडियो, तो हम इसे इस वीडियो से समझ सकते हैं कि ये खेल क्या है। और पंजाब में जो राहुल गांधी जो भाषा संसद में बोल रहे थे
वही भाषा इस खालिस्तानी चीजों से प्रभावित इस आतंकी ने बोली है। बिल्कुल वही भाषा है मनीष जी, दर्शकों को बता दो कि अभी मिल जाएगा तो वीडियो हम लोग दिखाएंगे। मनीष जी आज जब वो निकला है लवप्रीत, जिसके लिए कल वो दंगी तलवारें लेकर थाने में घुसे थे, तो सम्मान जरूर निकला है। और वो जितनी अकड़ और शान के साथ निकला है, उससे समझ में आया, उसने साबित कर दिया कि फिलहाल पंजाब में कानून या देश के संविधान की कोई अस्तित्व रही नहीं गया है, और वह गुंडों का आतंकियों का राज हो गया है, वो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है मनीष जी। और जरा गौर करिए कि कल की घटना और आज ये इस तरह का सरेंडर एक तरह से पंजाब की सरकार का, और पंजाब का मुख्यमंत्री आज बंबई में है, वो उद्धव ठाकरे के साथ मीटिंग कर रहा है। तो मनीष जी वो मस्करा तो एक मोहरा मात्र है, वो मस्करा जो जिसको मुख्यमंत्री बनाया था इसीलिए बनाया है केजरीवाल ने, ये मेरा मोहरा है कठपुतली की तरह नाचेगा, और वो नाच भी रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मनीष जी ये बहुत खतरनाक देश के लिए, और वही मैंने कहा कि जो नई पीढ़ी के नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो पुरानी पीढ़ी जिसने उस पंजाब को देखा है उसको मालूम है कि देश कैसे फंस गया था आग एक ये। सिख होने के नाते सारे अफसर का मैं धन्यवाद करदा, सारी सरकार धन्यवाद। जी जो मनीष जी के शान की सकड़ के साथ कानून को धज्जियां उड़ाते हुए धता बताते हुए कोर्ट में भी इसका कुछ नहीं हुआ, थाने से इसको जमानत देके छोड़ दिया गया। मैंने कहा ना कि ये 77-78 में जब भिंडरा वाले छोड़ा गया था तो यही शुरुआत हुई थी पंजाब को आग लगाने की, और वो भी ये भी जैसे निकला इसी तरह से फूलों की माला पहन के जुलूस के साथ वो निकला था। और उसके बाद पंजाब का क्या हुआ, देश का क्या हुआ, हमने एक अपना पूर्व सेना अध्यक्ष खोया जनरल वैद्य, और बहुत लोग गए, प्रधानमंत्री गई इंदिरा गांधी, कई सांसद मारे गए, और वो शुरुआत यहां से हुई। और दुर्भाग्य से मनीष जी इसकी शुरुआत भी कांग्रेस ने ही करवाई, इसकी शुरुआत भी कांग्रेस ने करवाई है, और आगे उसने बैटन केजरीवाल को थमवा दिया। अभी आपने जो वीडियो दिखाया तो जो भाषा वो अमृतपाल आतंकी खालिस्तानी आज की तारीख में बोल रहा, वो भाषा साल दो साल पहले राहुल गांधी देश की संसद में बोल रहा था कि भारत क्या है, ये तो यूनियन ऑफ स्टेट है, हर राज्य का अलग अस्तित्व है। तो वो एक तरह से मैसेंजर था इन लोगों का, और संसद के अंदर वही बात कर रहा था, तो वो सड़क पे कर रहे हैं और उसके लिए वो हिंसक हो गए। और सबसे खास बात आप गौर करिए कि किसी कांग्रेसी ने इसका विरोध नहीं किया है। और याद दिला दूं दर्शकों को कि पिछले साल जनवरी में इन्हीं खालिस्तानियों ने जब प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रची थी तो सरकार की भूमिका उसमें साफ आ गई थी। और उससे पहले मनीष जी दिसंबर 2021 18 दिसंबर 2021 को अकाल तख्त गोल्डन टेम्पल में कत्ल हुआ, सीसीटीवी के सामने हुआ, सरकार कांग्रेस की थी। आपको ध्यान होगा कि गिरफ्तारी करना तो दूर की बात है, किसी के खिलाफ FIR नहीं हुई, वो मामला वही रफा दफा हो गया। और उसका ठीक 18 तारीख को हुआ, 18 दिसंबर को, 20 दिसंबर को कपूरथला में ऐसे ही एक आदमी को तलवारों से काट डाला गया, और वो भी कहीं FIR नहीं हुई, कोई पकड़ा नहीं गया, कोई नामजद नहीं, काम आया गया खत्म हो गया, क्योंकि ये खालिस्तानियों ने काटा था। तो इनको बढ़ावा देने का काम कर रहे थे। इससे पहले एक और घटना हुई थी लुधियाना में, अगर ध्यान होगा दर्शकों को, तो मंडी में तलवार लेके खालिस्तानी टूट पड़े थे और पुलिस वालों पर टूट पड़े थे, और उस पर भी कहीं किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ये तीनों घटनाएं जो हुई थी तब ये कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस का नेता राहुल ऐसी भाषा बोल रहा था, ये भी मनीष जी ने दिखाया।
लेकिन उसके बाद मनीष जी जब केजरीवाल के पास सरकार आई तो कांग्रेस तो कुछ शर्म में रहती थी, तो आड़ बना के रखती थी, कुछ पर्दा करके रखती थी, ये तो खुलकर खेलने लगा है, ये तो खुलकर खेलने लगा है। और कुछ वीडियो दर्शकों से कहूंगा कि दहला देने वाले हैं कि इसे दिखा भी नहीं सकते ऐसी, मैं तो रूह कांप गई वो वीडियो देख करके, वो दिखाया भी नहीं जा सकता। हाँ, हम लोगों ने डाउनलोड करके रखा है लेकिन उसको दिखा नहीं सकते। चौराहे पर एक लड़की को फोटो होगी मनीष जी, फोटो दिखा दीजिए कि चौराहे पर लड़की को सरेआम तलवारों से काट रहे हैं और पुलिस खड़ी है वहां पे सामने। ऐसा नहीं कि कोई सुनसान गली में अनजान जगह पे, भीड़ लगी हुई है, पुलिस खड़ी हुई है और वो तीन चार लोग मिलकर लड़की को तलवारों से काट रहे हैं। वो फिरोजपुर जिले की घटना है, जो फिरोजपुर जो है पाकिस्तान से लगा हुआ जिला है, पाकिस्तान की सीमा उसी फिरोजपुर में है। और कहीं कोई नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई हल्ला नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, कोई पकड़ा नहीं गया। तो ये इस तरह के, इसने एक आदमी का मनीष जी वो हाथ काट रहे हैं, चौराहे पे काट रहे हैं, वो कोई छुपा के कमरे के अंदर नहीं है। जैसे वो ISI के बगदादी वाले बनाते थे तो वो भी कहीं कमरे में सुनसान जगह करते थे, वो कहीं ये तो सुनसान कमरे में भी नहीं, ये सीधे चौराहे पर लोगों के हाथ काट रहे हैं। वो आदमी चिल्ला रहा, चीखे निकल रही है। तो मनीष जी, चाहे उस लड़की की चीखे हो और चाहे उस आदमी की चीखे हो जिसके हाथ काट रहे हैं, ये पंजाब की चीखे हैं। वो वास्तव में पंजाब खून के आंसू नहीं बह रहा, पंजाब में सड़कों पर खून बह रहा है और खुलेआम बह रहा है। और उसके लिए बराबर के दोषी कांग्रेस और केजरीवाल है, केजरीवाल उससे ज्यादा है क्योंकि अब उसकी सरकार है। और मनीष जी, दर्शकों के बाद समझ में तब आएगी, जैसे मैंने आपने मेरी याद दिलाई कि मैंने कहा था कि खून के आंसू होगा, तो मैं तो इसके कर्म जान रहा था। मनीष जी, साल भर पहले पंजाब के ही राजनीतिक विश्लेषक रमणीक सिंह मान, उन्होंने जो कुछ आज हो रहा है ये भविष्यवाणी उन्होंने साल भर पहले कर दी थी। और क्या करी थी, दर्शक जरा पहले उनको ध्यान से सुन लें, साल भर पहले का उनका वीडियो है ये साल भर पहले का वीडियो है। और वो देखिए, वो बता रहे हैं केजरीवाल, आपके आपके साइट्स खुल नहीं रहे हैं जो, और मैंने उसे साझा किया नहीं था, मैं उसे सुना दूंगा। और वो रमणीक के जो की जो वीडियो है, उसने एक कई टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू दिया था और उसमें वही बात कही थी जो कपिल, जो कुमार विश्वास ने कहा था। उसने और ज्यादा जाकर के इस बात को लेकर के खोल करके रख दिया कि कैसे पंजाब में खालिस्तानियों के साथ कुमार इसके अरविंद केजरीवाल की सांठ गांठ है, और कैसे अरविंद केजरीवाल ने इसको मैक्सेसे मिला। जरा सा मैं उसे ऑडियो यदि आपको सुना पाऊं। सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के लिए नाइट में है, RRWIB स्टेट इंटेलिजेंस, इनके लिए ये सरकार एब्सोल्यूट नाइट में है। इसने एक्सेप्ट किया कि फोर्ड फाउंडेशन से मैंने पैसा लिया। फोर्ड फाउंडेशन CIA की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में, सबसे पता है। खालिस्तानियों की फंडिंग पहले ISI से आती थी, अब उसको चाइना कर रहा है। अगर आप CIA की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन से पैसा लेना एक्सेप्ट कर चुके हैं, आप नॉन खालिस्तानियों के घर में रह चुके हैं, आप खालिस्तानियों से पैसा ले चुके हैं, तो आप सरकार में आ गए तो पे बैक टाइम है। देश की सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ी मुसाफी होगी। स्पेशली मैं नाम लेकर अरविंद का कह रहा हूँ कि अरविंद इज इन द बेड विद द खालिस्तानीज, इन द बेड विद द चाइनीज। वो अमेरिकन एजेंसी से पैसा लेना एक्सेप्ट किया है उसने, तो कब किस दिशा में परिवर्तित हो जाए बहुत मुश्किल है। भगवंत के हाथ में अगर कमान रही फॉर द मोस्ट पार्ट, तो वो दिक्कत उतनी आएगी नहीं। पर अगर वो जैसे केंद्र की इंटरवेंशन राघव की या अरविंद की या मनीष की या और किसी की पंजाब के अंदर रही, क्योंकि इंटरेस्ट तो होंगे, पूर्ण राज्य पहली बार मिला आपको, पर उनको कितने अच्छे से भगवंत रिजिस्ट कर पाएंगे और कितने बढ़िया तरीके से अपने शासन को चला पाएंगे, कब किस दिशा में परिवर्तित हो जाए बहुत मुश्किल है। भगवंत के हाथ में अगर कमान रही फॉर द मोस्ट पार्ट, तो वो दिक्कत उतनी आएगी नहीं। पर अगर वो जैसे केंद्र की इंटरवेंशन राघव की या अरविंद की या मनीष की या और किसी की पंजाब के अंदर रही, क्योंकि इंटरेस्ट तो होंगे, पूर्ण राज्य पहली बार मिला आपको, पर उनको कितने अच्छे से भगवंत रिजिस्ट कर पाएंगे और कितने बढ़िया तरीके से अपने शासन को चला पाएंगे, उसके ऊपर बहुत निर्भर करता है। अरविंद दिल्ली के मुख्यमंत्री पर विवाद कोई नहीं है, बचते हैं वो उस चीज से, और बहुत सेफ खेलता है वो। और जिसको मारना होता है ना अरविंद ने, उसको गले लगा के मारता है। तो अरविंद आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है, और उसके बैकड्रॉप में एक चीज और देखना, जो CCP के साथ कांग्रेस पार्टी का एक एग्रीमेंट MOU है। तो ये उस एग्रीमेंट का एक हिस्सा है, कहीं ना कहीं
जहां पे ये लोग फेल हो रहे हैं वहां पे ये स्पेस दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को, चाहे वो दिल्ली की बात हो। अरविंद का स्टाइल ऑफ वर्किंग क्या है, तो रॉस हो रही थी, आईबीस हो रही थी, क्या कर रहे थे पता नहीं लगा। स्वीट टेररिस्ट, और स्वीट टेररिस्ट को सॉल्ट टेररिस्ट होने में कितनी देर लगी, हू नोस। भगत सिंह की जो देशभक्ति थी उसके तो अरविंद नजदीक भी नहीं है। और देशभक्त तो मैं उनको किसी नजरिए से नहीं मानता, जिस प्रकार की उन्होंने फौज के ऊपर, जिस प्रकार की उन्होंने जी मनीष जी, एक्स आर्मी मैन है और वहां के पॉलिटिकल एनालिस्ट है, पंजाब की राजनीति को बहुत अच्छे समझते हैं। इन्होंने साल भर पहले बता दिया था कि ये पहले फोर्ड फाउंडेशन से पैसा लेता था, सब जानते थे, उसके बाद आईएसआई से कनेक्शन हुआ और बाद में चीन से, वो खुलासा कह रहे हैं इस वीडियो में कि अब इसको चीन से पैसा मिला। और केजरीवाल और कांग्रेस के बीच में मीडिएटर चीन है, और वो वही उसी समझौते की इसमें मुख्य भूमिका है जो 2008 में राहुल गांधी दस्तखत करके आया था चीन के साथ। तो ये बड़ा खतरनाक वो है, खुलकर एकदम पूरी छूट दे दी। और मनीष जी, केवल केजरीवाल को गाली देने से काम नहीं चलेगा, वो तो दुष्ट है, उसको यही करना ही था, हम लोग पहले ही कह रहे थे, वो ये भी साल भर पहले कह रहे थे, रमणीक सिंह भी। लेकिन मनीष जी, केवल इतना कहने से देश की सरकार अपना दामन छुड़ा नहीं सकती, क्योंकि ये मामला केवल राजनीतिक नहीं है। और ये अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो जवाब देना बड़ा महंगा पड़ेगा मनीष जी, इस देश की सरकार को भी और इस देश के गृह मंत्री को भी और इस देश के प्रधानमंत्री को भी। हालांकि ये विश्वास है उन पर कुछ करेंगे, लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ और ये आग बढ़की, अगर ये नंगा नाच इसी तरह से होता रहा तो बहुत महंगा पड़ेगा देश को भी, और इनको जवाब देना बहुत महंगा पड़ेगा। और ये तो क्या चले जाएंगे, लेकिन देश जो है दशकों तक इस आग को झेलेगा, क्योंकि अब बहुत खतरनाक संकेत है। क्या कहा जाए उन्हें, क्या कहा जाए। केजरीवाल के बारे में जहां तक बात है तो उस पर कोई ताजुब नहीं है, वो तो बहुत पहले से आईएसआई के हाथों में खेल रहा है, अब उसको नया बाप मिल गया, क्योंकि वो आईएसआई भूखों मरने लगी, वो चीन मिल गया है। मनीष जी, जब उसने बाटला हाउस वाले उस पर खुलकर उसने उनका समर्थन किया था आतंकवादियों का, तो आतंकवादी उसके रिश्तेदार थोड़ी थे, वो उनके आकाओं से उसके संबंध है, उनके आकाओं से उसके संबंध है। वो अफजल गुरु के समर्थन में जेएनयू चला जाता है, उन गुंडों का समर्थन करता है जो भारत टेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाते हैं, तो वो तो एक प्लांटेड आदमी है, वो प्लांट हो चुका, अब वो प्लांट हो चुका। अब उसके हाथ में एक हथकंडा लग गया हरामखोरी का, कि मुफ्त बिजली मुफ्त पानी उसके दम पर वो इस तरह से कब्जा कर रहा है। और हम लोग मनीष जी अब चुनाव के दौरान भी कहते रहे थे कि सीमावर्ती राज्य है, और अगर पंजाब में केजरीवाल आ गया तो बहुत बुरा होगा, वो सामने आज हम लोग नजारा देख रहे हैं। ईश्वरीय मालिक है पंजाब का, ईश्वरीय मालिक है पंजाब का। और अगर इसको पंजाब में रोक ना लगाई केंद्र में बैठी सरकार ने, खासकर जो गृह मंत्रालय, जो गृह मंत्री अमित शाह है, तो सब कुछ करा धरा रह जाएगा। ये आग बहुत तेजी से मनीष जी देश में फैलेगी, बहुत तेजी से, ये शुरुआत है। और अभी सरकार की खुफिया एजेंसी को, केंद्र सरकार की खुफिया एजेंसी को क्या इसकी जानकारी नहीं थी कि अमृतपाल अब क्या करने वाला है? और ये चीजें समझते हुए भी कि मुझे लगता है कि उस वीडियो को हम लोग यदि व्यूअर्स जो शुरुआत में देखे होंगे, क्योंकि बहुत शुरुआत में हमने दिखा दिया, समझना बहुत, उसको बहुत बारीकी से सुनना होगा, राहुल गांधी की भाषा और इस आतंकी की भाषा। That India is described as a union of states. India is not described as a nation. It is described as a union of states. कि आप भारत की परिभाषा से मतलब सहमत थे? There was no Bharat. There was no India before 1947. Okay. It's a union of states. We must respect the unions. We must respect the states. Otherwise, you know what we say? We don't respect diversity. We lose everything. So I'm not agree to the definition of India, modern India. All I'm saying, everybody has right to self-determine. If I say Punjab is a separate country, I have right to do it. You'll find that India is. ये तो वही भाषा बोल रहा है जो राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर बोला। अब तो क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर प्रिविलेज है, राहुल गांधी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, बस इसी बात को हटाया जा सकता है।
राहुल गांधी, कांग्रेस और केजरी, इस पूरी मामले में दोनों का एजेंडा साफ लगता है। और मैं अक्सर कहता हूं कि ये दोनों बस एक तरह का छद्म युद्ध दिखाते हैं कि वो दोनों लड़ रहे हैं। जिस तरह से दिल्ली में केजरी के लिए कांग्रेस मैदान छोड़ती है, जिस तरह से साफ दिखा कि गुजरात में कांग्रेस ने छोड़ा इसके लिए मैदान, हिमाचल में केजरी के ने कांग्रेस के लिए मैदान छोड़ा, ये छद्म युद्ध दिखता है। क्या अब इस देश को साफ लग जाना चाहिए कि फोर्ड फाउंडेशन जिसकी बात रमनीक कर रहे थे, ये पूरा खेल कांग्रेस और केजरी मिलकर के देश के खिलाफ ही साजिश है, और इसीलिए केजरी को ये बॉर्डर स्टेट पर हमेशा केजरी का टारगेट होता है, नेशनल कैपिटल और बॉर्डर स्टेट, और इसीलिए क्या ये जो अभी सीबीआई आपको क्या सीबीआई ने जो मनीष सिसोदिया के को पूछताछ के लिए बुलाया है, और ये जो एफआईआर अभी हुई है नए सिरे से कि सिसोदिया और केजरी जब 2015 में सरकार बनी थी तो केंद्र के सरकार के पूर्व आईएएस अधिकारी जो खुफिया विभाग के थे उनके साथ मिलकर के सरकार के अलग अलग एजेंसियों की फोन टेपिंग करता था, तो क्या ये फोन टेपिंग अब ये माना जाए कि वो फोन टेपिंग को यदि आज के परिप्रेक्ष्य में जोड़ें कि राज्य की एक सरकार इस तरह की फोन टेपिंग में क्यों इन्वॉल्व थी जो सुप्रीम कोर्ट के रूल के खिलाफ खतरनाक है, इसका मतलब है कि केजरी की सरकार का शुरुआत ही भारत के झंडे को लेकर के भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश है खालिस्तान आंदोलन के साथ मिलकर के, जो कुमार विश्वास कह रहे हैं, जो रमनीक कह रहे हैं, ये लोग उनके साथ रहे हुए लोग हैं सर। ये तो अब सरकार, केंद्र सरकार के पास एक बेहद गंभीर सबूत सरकमस्टांशियल एविडेंस के रूप में दिख रहा है, तो क्या ये माना जाए कि केंद्र सरकार को कुछ ना कुछ और सुराग जो मिल चुका हुआ है? नहीं नहीं मनीष जी, आपने बिल्कुल सही कहा, अच्छा संकेत याद दिलाया कि वो जो मनीष सिसोदिया वाली टेपिंग है वो टेपिंग राजनीतिक नहीं थी मनीष जी, इन्हीं लोगों के लिए थी, इन्हीं लोगों के लिए थी कि क्या योजना बन रही है, क्या क्या प्लानिंग है सरकार की, केंद्र सरकार की खुफिया एजेंसियों की सुरक्षा से संबंधित, ये इसीलिए करवा रहा था केजरीवाल। और ये मात्र तीन दिन पहले एफआईआर हुई है नए सिरे से ही, और मैंने उस दिन विश्लेषण किया था, ये एंगल डाला था मैंने कि केंद्र सरकार की एजेंसियों से, केंद्र सरकार के अधिकारियों की फोन टेपिंग, गृह मंत्रालय की फोन टेपिंग केजरी क्यों करा रहा था? बस गृह मंत्रालय की फोन टेपिंग का मतलब ही है, गृह मंत्रालय की फोन टेपिंग का मतलब ही है कि आतंकवादियों के लिए, आईएसआई के लिए, चीन के लिए वो सूचनाएं इकट्ठी कर रहा था, चीन के दलाल की तरह, चीन के एजेंट की तरह है, इस पर कहने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, ये आईएसआई के एजेंट की तरह यहाँ काम कर रहा था। और दुर्भाग्य से हराम की बिजली, हराम के पानी के चक्कर में दिल्ली के हराम कोरों ने इसको जिताया और इसको बनाया मुख्यमंत्री, तो अभी पंजाब भोग रहा है तो आधा, क्योंकि इसको इसके पास शक्तियां नहीं है तो दिल्ली भी भोग रहा होता, और दिल्ली भोग चुका है मनीष जी, दिल्ली के नक समझ में आ रहा, तो बात दूसरी है कि 25 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश, यहाँ पे कोरोना से 25,000 मौतें हुई, और 2 करोड़ की आबादी वाला दिल्ली का, दिल्ली वहां 26,000 मौतें हुई कोरोना से, यानी उत्तर प्रदेश से 10 गुना छोटा और उत्तर प्रदेश के बराबर मौतें हैं। और जहां तक मेडिकल सुविधाओं की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में आप लखनऊ को छोड़ दीजिए, बाकी जिलों में बड़ी सीमित सुविधाएं हैं मनीष जी, बड़ी सीमित है सुविधाएं, योगी बाबा कोशिश कर रहे हैं, अभी बहुत टाइम लगेगा, लेकिन दिल्ली तो देश की सर्वश्रेष्ठ, उन शहरों में से जहां देश की सर्वश्रेष्ठ मेडिकल सुविधाएं हैं, और वहां पर 2 करोड़ में से 25,000 आदमी मर गए थे, लेकिन अब वो दिल्ली भोगने के लिए तैयार रहे, जाड़ों में प्रदूषण वाला सब देखते हैं, जहरीला पानी मल मूत्र पी रही दिल्ली 7 साल से, तो ये दिल्ली का सोचना चाहिए, जिन दिल्ली में जिन हरामखोरों ने इस हरामखोरी के सबसे बड़े सौदागर को वोट देके बनाया है, और पंजाब के तो अब समझ में आ रहा होगा मनीष जी, वहां के आम आदमी को अब समझ में आने लगा होगा, वहां जो जिन्होंने फ्री बिजली पानी के लिए दिया था वोट, वो अब उनकी समझ में आ रहा है कि ये क्या कर डाला हमने, और अपने लिए नहीं कर डाला मनीष जी, आने वाली पीढ़ियों के लिए बता दूं, ये दर्शकों को याद दिला दूं कि 79-80 से पंजाब में जब आग लगी थी तो 2000 तक, सन 2000 20 साल जला था पंजाब, ये 2-4 साल की बात नहीं थी।